और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते। सर मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले। सदन के विशेष सत्र में नारी शक्ति बिल पेश किया गया। इस बिल पर गोड्डा झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी बोले। निशिकांत दुबे ने मुलायम सिंह यादव और शरद पवार का नाम लेते हुए कमेंट किया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घेरते हुए कहा कि यूपीए शासन में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल पेश होने के दौरान सपा सांसद यशवीर सिंह का कॉलर सोनिया गांधी ने जब पकड़ा था तब उन्होंने ही उन्हें बचाया था। निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो हमारे सांसद नहीं बचते। वहीं मुलायम सिंह का नाम सुनते ही डिंपल यादव तिलमिला उठी और जब मैनपुरी सांसद डिंपल यादव बोलने के लिए उठी तो उन्होंने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया और कहा जैसे निशिकांत दुबे ने कहा था कि वो महिलाओं का दर्द समझते हैं तो उन्हें पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। मेरा सदन से अनुरोध है कि आप निशिकांत दुबे को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है ना ले और आने वाली कार्यवाही में भी ना ले। बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव ने पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सपा की हमेशा से यह मंशा रही है कि पिछड़े वर्ग की महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में यह बिल लागू होगा। हम यह पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा या नहीं। 13 साल से यह बिल अटका हुआ है, लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है, तब भाजपा सरकार को महिलाओं की याद आई। यही नहीं, डिंपल यादव ने इस बिल को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा या नहीं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यह लागू हो पाएगा या नहीं। सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी, परिसीमन कब होगा और परिसीमन के आधार पर ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो फिलहाल डिंपल यादव ने न सिर्फ निशिकांत दुबे को तगड़ा जवाब दिया बल्कि उन्होंने दलित मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बुलेटिन।